हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग लैब टेस्टिंग में। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टेस्ट कैसे करते हैं एज पर आईएस 1206 पार्ट 2 के हिसाब से। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं ऐसे न्यू टेस्टिंग रिलेटेड या हाईवे या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है गाइज, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये अपना मशीन है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टेस्ट अपार टेस्ट। ठीक है गाइज, तो इसमें क्या होता है गाइज, इसमें अपन सिलिकॉन यूज़ करते हैं। इसका जो सिलिकॉन का गाइज कैपेसिटी होता है वो होता है 150 डिग्री से अप होता है। ठीक है गाइज, और अपन अपना जो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टेम्परेचर होता है वो 60 डिग्री पर अपन करते हैं। ठीक है गाइज, तो इसीलिए अपन इसमें सिलिकॉन यूज़ करते हैं, ताकि जब हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी टेस्ट करें तब अपना 135 डिग्री तक जा सके। ठीक है गाइस, वाटर इसलिए यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वाटर 100 डिग्री से ऊपर नहीं होता। ठीक है, तो अपना ये मशीन है गाइस, अभी इसको ऑन करके बता देता हूँ मैं आपको। देखिए गाइस, इसमें एक लाइट लगी हुई है, ये फैन है इसमें जो इसको पूरा मिक्स करता रहता है। और उसके बाद ये टेम्परेचर है गाइस, यहाँ पे सेट कर लेते हैं अपन। ये देखो 60 पे सेट कर रखा है मैंने, और ये इधर में टाइमिंग है गाइस, इसको चालू करेंगे टाइमर इधर बताता है। और आप चाहे तो स्टॉपवॉच से भी कर सकते हैं। उसके बाद ये मेन स्विच है, एक्सटीरियर है, और ये हीटर का है। ठीक है गाइस, इसको बोलते हैं गाइस विस्कोसिटी ट्यूब। ठीक है गाइस, इसका जो साइज नंबर है वो है 13 नंबर। ये जो होती है गाइस वो तीन टाइप से होती है, इसका जो साइज होता है 12 नंबर, 13 नंबर, और एक होता है 6 नंबर। तो जो 6 नंबर होता है गाइस वो अपन काइनेमेटिक में यूज़ करते हैं, और 13 और 12 ये अपन एब्सोल्यूट विस्कोसिटी में यूज़ करते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है गाइस वो होता है 60 से 90 के बीच में कोई भी पकड़ लो, प्लस सॉफ्टिंग पॉइंट। जैसे 80 प्लस सॉफ्टिंग पॉइंट 50 पकड़ेंगे तो 130 आएगा, वैसे आप 130 135 पे पोर कर सकते हैं। देखिए गाइस, आपको एक पेपर लेना है, उससे ऐसा गोल गोल राउंड शेप में ये बनाना है, ताकि अपना जो बिटमिन है वो इसके जो साइड पार्ट में ना चिपके। ठीक है, अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो ग्लव्स पहन ले, और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी मैं इसमें बिटमिन फिल करूँगा इस लाइन तक। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, तो पेपर को ऊपर सरका लेना है इस लाइन तक, उसके बाद इस लाइन तक बिटमिन भरना है। तो अपना जो बिटमिन का टेम्परेचर है गाइस वो मेंटेन हो चुका है। अपना जो टेम्परेचर मेंटेन हो गए हैं, अभी हम इसको इस बोरोसिल में भरेंगे। ये बिटमिन आपको थोड़ा सा लेना है गाइस, इसमें ज़्यादा नहीं लेना है। और उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर में ऐसे डालना है। देखिए गाइस, जो अपना यहाँ लाइन है, ठीक है, लाइन के ऊपर प्लस माइनस 2 mm है, तो अपने लाइन तक फिल किया, थोड़ा सा ऊपर हो गया। और अपना जो गाइज है इसमें एक भी एयरवर्ड्स नहीं है। ठीक है, अगर अपना एयरवर्ड्स हो इसमें, जैसे यहाँ वाइट वाइट या जगह छूट गई हो, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, 135 प्लस माइनस 5.5 डिग्री पे अपन 10 मिनट के लिए ओन में रखेंगे, प्लस माइनस 2 मिनट। ठीक है गाइस, तो अभी अपना एयर बबल्स है नहीं इसमें, तो अब हम इसको ओवन में नहीं रखेंगे, हम इसको डायरेक्ट वहाँ ले जाके सेट करेंगे मशीन में। देखिए गाइस, ये अपना जो इस पर कैप है इसको यहाँ पे अपन फिट करेंगे, और इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है गाइस, क्योंकि ज़्यादा टाइट करोगे तो ये जो विस्कोसिटी ट्यूब है यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसको इतना ही टाइट करें ताकि ये निकले ना बस। ठीक है, तो ये अपना सेट हो गया है। देखिए अपना ये बिटमिन है गाइस, अभी हम इसमें ऐसे इसको लगा देंगे। ठीक है गाइस, ये सेट हो गया अपना। देखिए 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन हो गया हमारा। देखिए गाइस, 9:47 हो चुके हैं, अभी हम आधे घंटे बाद इसको देखेंगे। ठीक है, 9:48 हो गया गाइस। ठीक है गाइस, इसका जो टाइमिंग होता है वो होता है 30 मिनट प्लस माइनस 5 मिनट। ठीक है, मतलब 25 मिनट में भी अपन कर सकते हैं और 35 में भी अपन कर सकते हैं। तो ये जो गाइज है अपना, ये सेकंड में चल रहा है 1126। ठीक है, और यहाँ पे अपन को 1800 सेकंड होगा, तब आधा घंटा हो जाएगा। और मिनट में भी मैं मोबाइल में आपको बता दूंगा कि 9:47 रखा था, तो 8:10 के 18 मिनट पे अपना जो टाइमिंग है वो हो जाएगा।
तो मैं इसको अभी ऐसे ही मेंटेन कर लेता हूँ गाइस, फिर आपको मैं बताता हूँ आधे घंटे के बाद कि इसका जो टेस्ट प्रोसीजर आगे क्या है, ठीक है, तो उसी के बारे में बताता हूँ। देखिए गाइस, अपना जो 1810-18 होना था वहाँ पे एक मिनट ज़्यादा हो गया है और यहाँ पे भी ज़्यादा बता रहा है एक मिनट। ये हमारा वैक्यूम प्रेशर है गाइस, ये अपना 30 cm तक रहता है, ठीक है गाइस, यहाँ तक ये सेंटीमीटर में रहता है। अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे, इसको यहाँ पे फिल करेंगे गाइस। देखिए गाइस, ऐसे आपको फिट कर लेना है इसमें और फिर इसके बाद ये वैक्यूम स्टार्ट करना है आपको। तो गाइस, ये जो सबसे नीचे वाली लाइन दिख रही है ये अपना ए है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा। सेकंड वाली बी है, यहाँ तक अपन फर्स्ट बार चेक करेंगे कितना सेकंड आ रहा है, और बी से जो ये ऊपर वाली लाइन दिख रही होगी गाइस आपको, वहाँ तक आएगा तब चेक करेंगे कि बी से सी वाला कितना टाइमिंग आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको नोट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, ये अपना वैक्यूम प्रेशर है, इसको अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ये स्टार्ट कर दिया हूँ गाइस, देखो ये 30 पे आएगा, अभी जैसे जैसे लोड लेगा वो 30 पे आता रहेगा, ठीक है गाइस। और ये अभी अपना बिटवीन है गाइस, जैसे ही इस लाइन पे कर आएगा अपन इसको स्टार्ट कर देंगे स्टॉपवॉच को, ये स्टार्ट, ठीक है गाइस। जैसे ये सेकंड वाली लाइन पे जाएगा गाइस, बी पॉइंट अपना, उसको अपन देखेंगे कितना सेकंड में ये यहाँ सेकंड पे आया है, ठीक है, वो सेकंड नोट कर लेंगे एक जगह पे। टाइमिंग भी स्टार्ट है, ये अपना जो बी पॉइंट है गाइस वो आ गया है, 1:12, ठीक है गाइस, इसको नोट कर लेंगे 1:12। टाइम को चालू रखना है गाइस, बंद नहीं करना है, वो अपन को एक जगह पे नोट कर लेना है। अभी जो अपना ये ऊपर वाला लाइन दिख रहा होगा गाइस, वहाँ जब टच हो जाएगा वो अपना हो जाएगा बी से सी पॉइंट, ठीक है। तो इसके रिपोर्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा। देखिए गाइस, अभी हमारा जैसे ही वहाँ टच होगा हम स्टॉप वॉच बंद कर देंगे और ये भी बंद कर देंगे, ठीक है गाइस, ठीक है स्टॉप। देखिए गाइस, इसको बंद कर दिया हमने और वो भी अपना ऊपर लाइन पे टच हो गया, ठीक है, देखिए। और ये भी अपना 5:24, ठीक है गाइस। अभी हम इस पर एक रिपोर्ट बना के आपको बताते हैं कि इसका जो कैलकुलेशन होता है वो कैसे होता है। देखिए गाइस, ये हमारा एब्सोल्यूट विस्कोसिटी का फॉर्मेट है गाइस, अभी मैं इसमें आपको कैलकुलेशन के सहित इसको बताऊंगा कि अपना जो विस्कोसिटी है वो कितना आया है। तो चलिए गाइस देखते हैं, यहाँ पे लिखा है गाइस अपना फर्स्ट में फ्लो टाइम, जो अपना सेकंड में जो आया था गाइस यहाँ लिखा, देखिए मतलब बी, ठीक है, मतलब जो ए से बी के बीच में आया था वो आपको यहाँ पे नोट करना है। तो अपना कितना आया था, 1:12, तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट को तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, अपना 60 सेकंड हो जाएगा 1 मिनट में, और 12 सेकंड ऊपर था, दोनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है, तो अपना हो जाएगा 72, ठीक है गाइस। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 72, ठीक है गाइस। और उसके बाद अपना जो बी से सी के बीच में आया था गाइस वो यहाँ नोट करेंगे, अपना टोटल हुआ था 5:24, तो 5 को 60 सेकंड से गुणा करेंगे तो अपना आ जाएगा टोटल 300 सेकंड। इसमें फिर प्लस करेंगे, ऊपर 24 सेकंड था अपना वो, तो 324 हो जाएगा। फिर इसमें माइनस करना है क्योंकि इसमें 5 मिनट में ये भी इंक्लूड था, अपन ने जीरो किया नहीं था, तो इसमें ये माइनस कर लेंगे 72, ठीक है, तो 252 सेकंड अपना क्या आ जाएगा ये वाला, ठीक है गाइस। और उसके बाद यहाँ क्या लिखा है, कंस्टेंट वॉइस पर सेकेंड, ये जो अपना विस्कोसिटी ट्यूब होता है गाइस उसका जो करेक्शन फैक्टर बोलते हैं जिसको, वो होता है, ठीक है, CF। तो अपना इसका जो हमारे यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं इस वाली ट्यूब का, D का है अपना 58.97, और C का है गाइज अपना 17.97। आप वीडियो के साइड में यहाँ देखना, ऊपर में आपको मैं एक फ़ोटो डाल दूँगा, उसमें आपको देख लेना, उसमें लिखा है कि अपना जो कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है उसमें, ठीक है गाइज। उसके बाद गाइज अपना वैक्यूम पॉइंट कितना आया वो अपन निकालेंगे 30 डिग्री पे, ठीक है, 30 cm hg पे। उसको कैसे निकालेंगे वो देखो, अभी देखो आपको क्या करना है, 72 × करना है 58.97, तो 4246 आ जाएगा, पॉइंट के बाद वाला नहीं पकड़ना है,
ठीक है गाइज। उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, 252 × 17.97, ये आ जाएगा अपना 4528। ठीक है गाइज, अभी क्या करना है गाइज, आपको इन दोनों का एवरेज यहाँ नोट करना है। तो एवरेज कैसे करोगे, 4246 + 4528, फिर भाग दो करना है गाइज, तो एवरेज आ जाएगा 4387। ठीक है गाइज, ये पॉइज में है। और अपना जो स्पेसिफिकेशन लिमिट है गाइज, वो पुराना वाले जो आईएस कोड है, IS 73 2300 से 4800। ठीक है गाइज, लेकिन अभी जो ये है वो चेंज हो गए गाइज, अभी जो IRC SP 135/2022 के अनुसार 3600 से 4800 पॉइज होना चाहिए। ठीक है गाइज, अभी ये नया आईएस कोड आ गया है, सॉरी IRC आ गया है, इसके हिसाब से आपको चलना है।